नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गुजराती नाश्ता, जिसके साथ जलेबी भी खाई जाती है। पर आज हम जलेबी नहीं बना रहे हैं, केवल ये नाश्ता बनाएंगे, जिसको देखते ही आप समझ गए होंगे। और ये बड़े आसान तरीके से बनाएंगे इसको, तो इसको बनाना शुरू कर दिया। इसमें मैंने पानी ले लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये हरी मिर्ची, और इनको मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। जब तक हमारी हरी मिर्चियाँ बॉईल होती हैं, जब तक हम इसके लिए चटनी पीस लेते हैं। जैसे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, और इसके लिए हमें लहसुन या तीखी चटनी नहीं चाहिए, हमें इसके लिए खट्टी चटनी चाहिए जो हम बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं 4 से 5 हरी मिर्चा ले ली, और ये धनिया ले लिया है। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा काला नमक और स्वाद अनुसार सादा नमक। ये दोनों नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। और इसमें ऐड करूँगी खट्टा करने के लिए इमली, जो कि इमली को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में ऐसे रख दिया था, तो थोड़ा सा फूल गई है ये। तो ये मैंने मतलब 1 चम्मच भर के इमली ले ली थी, जिसको मैंने पानी में सोख करने लग दी, फूल गई है। और ये सारी इमली को हम इसमें ऐड करेंगे। और आप चाहो तो खट्टा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो इसमें और ऐड कर सकते हो इमली। और इसको एक फाइन सी चटनी हम पीस, और चटनी को हमने पीस लिया है। और ये इधर एक साइड हमारी मिर्ची भी बॉईल हो गई है, जिसको मैं छोटे छोटे पीस इसमें कट कर लूँगी। और ये हमारी चटनी भी पीस कर देखिए एकदम फाइन तैयार है। अब इन दोनों को उठा के रखते हैं एक साइड, और आगे के तैयार। ये मैंने एक परात ले ली है, आप चाहो थाली भी ले सकते हो, अपनी सहूलत के हिसाब से कोई भी बर्तन ले सकते हो। और इसमें ऐड करूँगी मैं, ये मेरी छोटी कटोरी है, तो मैंने 1/4 कटोरी रिफाइंड ऑयल लिया है, यानी मीडियम साइज़ की कटोरी के हिसाब से देखोगे तो 1/4 कटोरी इसमें रिफाइंड है। ये रिफाइंड मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसी में इतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना हमने रिफाइंड ऑयल लिया है ना, उसी के हिसाब से इतना ही हमें इसमें पानी लेना है। ये हमने पानी इसमें ऐड कर दिया, और इसमें ऐड करूँगी मैं अजवाइन, 1/2 चम्मच ये मैंने अजवाइन ऐड की है। और इसमें थोड़ा जाएगा 1/2 चम्मच से भी कम खाने वाला सोडा। और इसमें ऐड करेंगे नमक, और इसमें नमक ऐड करने के बाद में अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह से इसको बनाओगे ना, तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स, अगर जितनी आप क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उसके हिसाब से इसमें रिफाइंड ऑयल और पानी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब धीरे धीरे क्या करूँगी, 1-1 चम्मच करके इसमें हम बेसन ऐड करते जाएंगे। एक साथ हमें नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही, जो इसमें गुठली आए ना बेसन में, जो इसको हम मैश करते हुए और इस तरह से मथते हुए इसको, बेसन को हम मारते हुए जाएंगे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से गुठलियों को फोड़ते हुए इसमें परात में अच्छे से मिक्स करते हुए धीरे धीरे, और इसमें हम और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेते हैं। देखिए ये, अब इसमें बेसन ऐड नहीं करेंगे, आपको ये ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा लूज़ लूज़ नहीं है ये। इस तरह से हम इसको मथते हुए इसका, इसको जैसे खट्टा हम करेंगे ना, तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा डो ये हमारा तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह से 2 मिनट इसको हम मथेंगे। देखिए ये सारा हमने इकट्ठा कर लिया है, एक सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको उसमें लगे कि थोड़ा सा लूज़ ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हो 1/2 चम्मच। और इस तरह से हम इसको मथ लेंगे। देखिए कितने एकदम से चिकना हमारा ये बेसन हो गया है, और ये अच्छा सॉफ्ट डो लगकर तैयार है। आप चाहो तो इस डो से जो बेसन की पापड़ी होती है ना, वो भी इससे बना सकते हो बेल के, वो इसी तरह से बनाई जाती हैं। ये डो लगकर हमारा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक चकला ले लिया है, इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि हथेली से इसको फाफड़ा को बनाया जाता है, पर क्या हथेली से तो मुझको भी नहीं आते, तो मैं हमेशा चकले पे ही ये फाफड़े अपने बनाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बन के हमारे तैयार होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हथेली से बनाए जाए तभी फाफड़े बन सकते हैं, नहीं, आप चकरा बेलन से भी इसको बना सकते हो। तो देखिए लोई लेके इसको इस तरह से हम बेलेंगे। ये देखिए, ये फाफड़ा हमारा, ये हमने इसको बेल लिया, ये तैयार है। और इसको एक नाइफ़ की सहायता से हम इसको थोड़ा और स्मूथली, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। बस देखिए
और इनको गैस की फ्लेम को मीडियम करके, गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, और इनको हम सेक लेते हैं। और बिल्कुल लग रहा है ना एकदम से मार्केट जैसे, और ये घर पर भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं, ये ना चिपकते ना कुछ होता है, बस ये हमें लकड़ी के चक्रा बेलन से ही हमें इनको बेलना है, और इनको इसी तरह सेक कर ये हम ना चक्रा बेलन से ही इनको तैयार किया है। और ये कटा हुआ प्याज, ये बॉईल करी हुई हरी मिर्ची, ये जाएगी इसमें खट्टी चटनी। सारी प्लेट हमारी बनकर तैयार है, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये एकदम क्रिस्पी बनकर हमारे ये तैयार हुए हैं। हमने फाफड़ा रख लिया प्लेट में, जिस तरह से मार्केट में खाकर आते हैं ना, मैं उसी तरह से इसको थोड़ा सा प्लेट में लगा रही हूँ, जो कि देखते ही आपके मुँह में इसमें पानी आ जाएगा। और ये जाएंगे थोड़ा सा प्याज, और ये जाएगी चटनी। थोड़ा सा चाट मसाला, ये हमारे, और ये हमारे फाफड़ा बनकर तैयार हैं गुजराती स्टाइल में। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।